वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे भिंडी फ्राई। हम इस रेसिपी को बड़े ही आसान तरीके से और बहुत ही कम मसालों के साथ बनाएंगे, लेकिन फिर भी भिंडी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल लिया है। सरसों के तेल में भिंडी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तेल को अच्छी तरह पका लूँगी मैं। जब तेल अच्छी तरह पक जाएगा फिर मैं इसमें डाल दूँगी भिंडी को। भिंडी को देखिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। अब भिंडी को मैं लो टू मीडियम आंच पर इसी तरह से उल्टे पलटे हुए पकाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में और नोटिफिकेशन को दबाने में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है। जब एक से दो मिनट हो जाएंगे सब्जी को पकते हुए, फिर मैं इसमें डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार। नमक जो है हमने आधा ही डालना है, जितना हमने स्वाद अनुसार डालना है उसका आधा डालेंगे, आधा हम बाद में डालेंगे। अब नमक डालने के बाद मैं इसी तरह से इसे उल्टे पलटे हुए पकाऊंगी। फिर एक से दो मिनट पकाने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी लेमन का जूस। लेमन का जूस डालने से भिंडी में जो लेस बनती है वो खत्म हो जाती है। लेमन का जूस डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी और इसे उल्टे पलटे हुए इसी तरह ही मैं पकाऊंगी ताकि भिंडी जो है अच्छी तरह पक जाए। देखिए भिंडी जो है अच्छी तरह पक गई है। गैस को कर दूंगी मैं बंद। अब मैं इसको निकाल लूंगी प्लेट में। अब उसी कढ़ाई में मैं फिर से सरसों का तेल डालूंगी और तेल को अच्छी तरह पका लूंगी। जब तेल अच्छी तरह पक जाएगा फिर मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। प्याज को डालकर मैं लो टू मीडियम आंच पर इसी तरह इसे उल्टे पलटे हुए पकाऊंगी। एक से दो मिनट के बाद इसमें हम डाल देंगे नमक। आधा हमने भिंडी में डाला था और आधा हम इसमें प्याज में डाल देंगे और इसी तरह से उल्टे पलटे हुए प्याज को हम अच्छी तरह भून लेंगे। जब प्याज थोड़ा भून जाएगा फिर मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया था। प्याज को अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी हल्दी। हल्दी को मैं भून लूंगी। जब हल्दी अच्छी तरह भून जाएगी फिर मैं इसमें डाल दूंगी भिंडी जिसे हमने पहले फ्राई किया था। भिंडी डालने के बाद इसे मैं प्याज के साथ इस तरह से देखिए हल्के हाथों के साथ मिक्स कर दूंगी। बिल्कुल हल्के हाथों से करेंगे हम। फिर मैं इसमें डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च जिससे सब्जी में कलर अच्छा आएगा। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप इसमें लाल मिर्च को भी ऐड कर सकते हो। मैंने हरी मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च को ही ऐड किया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी अमचूर पाउडर। इससे जो है सब्जी का टेस्ट इन्हेंस होगा। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी ताकि कश्मीरी लाल मिर्च और अमचूर पाउडर अच्छी तरह सारी सब्जी के साथ मिक्स हो जाए। अब मैं इसे उल्टे पलटे हुए एक मिनट और पकाऊंगी। बस इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं पकाऊंगी। सब्जी हमारी तैयार है। अब मैं इसको कर दूंगी सर्व। ये हमारी टेस्टी सी भिंडी फ्राई बनके तैयार है। आप भी इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.